हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता आई एम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आई हुई हूँ आज विश्रामपुर, क्योंकि दीदी लोग जा रहे हैं बिलासपुर, तो मुझे बुलाया हुआ है यहाँ रहने के लिए। तो मैं आई हुई हूँ दीदी के घर 2 दिन रहने के लिए। तो आप सभी को यहीं का ब्लॉग आप सभी को देखने को मिलेगा। तो नम्रता कहाँ जा रही है? नम्रता बिलासपुर। हाँ हाँ, इधर पैकिंग हो गया है। नम्रता बिलासपुर जा रही है, जितना भी सामान डल गया है। भजिया दीदी भी जा रही है साथ में छोड़ने के लिए। नम्रता पढ़ाई करने जा रही है। और हम लोग आए हुए हैं यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि छोटी नहीं जा रही है, अकेली है घर में। तो यहाँ दीदी बुलाई हम लोग को रुकने के लिए, तो काव्यांश के साथ आए हुए हैं हम लोग भी। और इधर देखिए नम्रता जा रही है अपने भाई के पास, वो भी वही रहता है बिलासपुर में, गौरव। और नम्रता भी जा रही है पढ़ाई करने के लिए। नहीं नहीं पीरी दीदी, और इधर चीज़ें भी जा रहे हैं साथ में। और सिब्बू सिब्बू नम्रता जा रही है ना इस बिलासपुर, तो बहुत ज़्यादा दुखी है सिब्बू, भोक रहा है। इधर सिब्बू, इधर चीज़ें। गाड़ी भी चला सकता है, ये भी भूख नहीं लगता है। वो भी जानता है ना, सब नहीं चाहिए उसको भी जाते समय। बॉल मार, हाँ, ऐसे खेलता है। मेरे को छोड़ के कहाँ चले जा रहे हैं, बोल रहा है। उसमें आवाज़ मिल रही है। ठीक है तो नम्रता बाय बाय, और दीदी लोग भी। हम लोग का बैग तो रखे ना, हाँ तुम लोग का तो डाले ना, आराम से जाना, धीरे से जाना। बैग हम लोग रखा है ना? हाँ देखी, तेरा छूट जाएगा ना, फिर आना हो जाएगा, देख लो एक बार, नहीं तो देख। अरे मैं देखी देखी छोटी। हाँ हाँ ठीक ठीक, बाय सिबू सिबू, बाय नम्रता, बाय। अभी हम लोग दिसंबर में मिलेंगे फिर नम्रता से, आप लोग आएंगे ठीक है ना? बाय सिबू। चलो घर। तो देखिए चले गए, अब हम लोग चलते हैं घर में। और सिब्बू भी गुस्सा हो गया, देखिए ये अभी हम लोग बैठते हैं। अभी हम लोग ही हैं बस, छोटी मैं और काव्यांश। परी नहीं आई है क्योंकि उसका स्कूल था ना, इसकी वजह से नहीं लाई हूँ, तो वो अपने पापा के साथ रहेगी। और छोटी इधर काम कर रही है अभी, वो उदास हो गया है इधर।
और आप सभी को दिखाऊंगी दीदी ने क्या बनाया हुआ है खाने। तो चलिए दिखाती हूँ। और मैं किचन में आ गई हूँ तो दिखाती हूँ आप सभी को। तो दीदी हम लोग के लिए ना वेज बिरयानी बना के गई है, ये देखिए। तो हम लोग अभी खाएंगे क्योंकि मैं घर से ही ना नाश्ता करके आई हुई थी, पूड़ी सब्जी खा के आई हूँ तो होगा। और दीदी लोग चले गए ना, और यहाँ दीदी लोग हैं नहीं ना अकेले के लिए, तो फिर तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। साथ में जब दीदी रहती है ना यहाँ तो अच्छा लगता है। अभी हम लोग बस तीन ही लोग हैं। तो छोटे तो क्यों नहीं खा रहा है? खा ले छोटे। और फैन चालू है अभी ना क्योंकि पोछा लगा रही है छोटी, इस वजह से आवाज़ थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा होगा। खाना छोटे। और अभी ना शाम हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं छत में क्योंकि हम दोनों ही है, काव्यांश, देखिए इधर काव्यांश और मैं, और परी छोटी चली गई है ट्यूशन, तो हम दोनों ही हैं अभी। तो हम लोग सोचे कि चलो छत में चल जाते हैं, घूम के आ जाते हैं क्योंकि घर में अंदर में क्या करेंगे, दिन भर कुछ काम भी नहीं है। तो चला जा। बड़ी मम्मी लोग उसको पोतवाए हैं ना अभी ऊपर छत को, अभी पूरा अच्छा लग रहा है वाइट। हाँ वाइट वाइट ना, हम लोग आए नहीं थे, बहुत छत साफ लग रहा है ना। तो ये देखिए अभी ना दीदी लोग ना, पहले ये सब ना पोताया नहीं हुआ था, अभी शायद पोतवाई होगी दीदी। तो हम लोग अभी आ रहे हैं और छत को ना काफ़ी बहुत साफ रखी है दीदी छत को, देखिए झाड़ू वाड़ू बहुत लगा के बहुत ज़्यादा साफ लग रहा छत, ये देखिए। और दीदी के घर के छत से ना व्यू यहाँ का दिखाती हूँ आप सभी को, इस टाइप सा है यहाँ का व्यू, ये देखिए। और सामने में ना बड़ा सा ग्राउंड है, स्कूल वाला ग्राउंड। तो ये जो है ना इधर वो स्कूल है और उसी का यहाँ पर है जो दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे ना क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ से नीचे का दीदी के घर के नीचे का व्यू। अरे मैं भी पलट जा रही हूँ ऐसे, मैं ही ना गड्ढे में गिर जाऊँ दिखाते दिखाते। सिब्बू नीचे बैठा है, उदास है बहुत क्योंकि दीदी लोग भी चले गए हैं और छोटी भी अभी चली गई ट्यूशन, और हम लोग उतना अच्छे से पहचानता नहीं है सिब्बू, मतलब बहुत दिन में आए हैं, बहुत कम ही देखता है तू तो इसी वजह से ना वो हम लोग को पहचानता नहीं है ना, तो थोड़ा सा मायूस है नीचे बैठा। और हम लोग ना खोल देंगे ना तो हम सोच रहे हैं कि कहीं बाहर ना निकल जाए, तो इसी डर से ना हम लोग उसको खोल भी नहीं। और यहाँ ना काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है क्योंकि ना दीदी लोग के घर के पीछे जस्ट इधर खेत है ना, तो इसकी वजह से ना यहाँ पर ना यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और हमारे यहाँ भी ठंड है पर इतना नहीं है क्योंकि वो ना वहाँ पर ज़्यादा आगे पीछे पूरे मतलब बिल्डिंग ही है, घर ही है, तो इसकी वजह से वहाँ थोड़ा कम ठंडा लगता है। और यहाँ खेत की वजह से ना यहाँ ज़्यादा कुछ इधर खेत की वजह से ज़्यादा ठंडा लग रहा है। ये पीछे का साइड है, तो पीछे साइड इधर खेत है और उधर सामने साइड जो मैंने दिखाया वो ग्राउंड और स्कूल। सिब्बू को भी खोल देते ना तो वो भी आ जाता छत में खेलने के लिए, पर मेरे को लग रहा है ना मैं उसको संभाल नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है, भूख रहा है बहुत वो सिब्बू। तो आप सभी को दिखाती हूँ नीचे सिब्बू बैठा हुआ है, ऊपर देख रहा है बार बार। ऊपर आएगा, ऊपर आएगा सिब्बू। और छत से ना हम लोग सिब्बू को देख रहे थे ना, तो वो बहुत बेचारा शांत बैठा था, तो हम लोग आवाज़ दे दिए सिब्बू करके, तो वो बहुत भौंकने लगा, ऊपर आने के लिए बहुत हो रहा था। तो मैंने बहुत हिम्मत करके
यहाँ पर देखिए सिब्बू को लेने के लिए आ गई हूँ नीचे। तो मैंने पहले सोचा काव्यांश और मैंने कि पहले हम दोनों दूध चावल दे देते हैं इसको खाने के लिए, तो इसका ध्यान हट जाएगा, तो मैं धीरे से सिक्कड़ खोल लूँगी। तो वही मैंने किया, पहले हमने दूध चावल दे दिया और उसके बाद मैंने धीरे से वही बड़ी हिम्मत करके मैं सिक्कड़ खोली हूँ और उसके बाद छत में ले चलते हैं सिब्बू को। तो यहाँ पर सिब्बू खाना खा लेगा तो छत में ले चलेंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग, मैंने बड़ी हिम्मत करके ना सिब्बू को खोल के लेके आ रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सांस मेरा डर लग रहा है इससे, क्योंकि पहली बार हम लोग खोले हैं इसको ऐसे में और बहुत डर लगता है मेरे को इससे। खेलो 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 सिब्बू। तो हम लोग ना अभी 7 बज गया है और सिब्बू के डर से हम लोग इधर, यहाँ पर देखिए सिब्बू हम लोग का पहरा कर रहा है और इधर हम लोग हीटर के पास बैठे हैं और सिब्बू से हम लोग बहुत डरते हैं ना, तो दोनों बैठे हुए हैं और जिधर जिधर जाते हैं ना हम लोग उधर उधर आ जाता है। तो मैं बहुत डर रही हूँ, अभी तो सो रहा है सिब्बू। इधर छुटे झाड़ू लगा देते हैं और यहाँ पर मिट्टी खेलने वो तो लगता ना बाड़ी में चला गया, तो यहाँ पर पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिया है। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और अभी वो सो रहा है, फिर भी हम लोग को जैसे हम लोग आवाज़ सुन रहे हैं ना इधर आते हुए तो जग गया है। उधर देख रहे हैं अंदर कोने में सो रहा है, हम लोग अंदर में बैठे, मतलब जिधर जिधर जाओ ना उधर उधर सिब्बू का आना है। अभी हम लोग इधर जा रहे हैं तो देखिए कुछ टाइम में वो आ जाएगा। चल झाड़ू कहाँ है, ये कैसे हिल रहा है? तू हिलाएगा? नहीं। देखिए और सिब्बू को देख लीजिए फिर से आ गया है हमारे पीछे पीछे, उठ गया, इतना सो रहा था गहरी। अरे बाप, मैं डर गई ना, मैं सोची कि अरे सिब्बू के हाथ मेरा सिब्बू के मुंह में चला जा रहा है। तो इधर देखिए सिब्बू फिर से उठ गया है, ताजा हो गया है, मतलब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा आज, हम लोग को पूरा दहशत में डाल दिया आज। सिब्बू देखिए पीछे पीछे आ रहा है हमारे, ये देखिए, मतलब हम लोग जिधर जाएंगे उधर ही आएगा सिब्बू। झाड़ू कहाँ गया? झाड़ू किधर रख दी दीदी? और देखो ये देखिए, ये हम लोग को छोड़ के जा ही नहीं रहा है, पीछे पीछे हमारे है आज। देखिए अब लोग अभी सो रहा था और इधर आ गए हैं तो हमारे पीछे पीछे, अभी उधर जाएंगे ना तो उधर आ जाएगा पीछे। तो देखिए पीछे पीछे हमारे आ रहे हैं, ये देखिए आया है, इधर आ रहा है, पीछा छोड़ नहीं रहा सिब्बू आज। और घर में ना कोई है नहीं ना, हम लोग बहुत डर रहे हैं इससे, बस थोड़ा ये ना बहुत भारी भरकम है ना इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगता है इससे। और अभी हम लोग ना छत से होके आ गए हैं नीचे, काफ़ी टाइम तक सिब्बू को खिलाने के बाद ना हम लोग काफ़ी रात भी हो गया था ना तो नीचे आ गए हैं। और नीचे आने के बाद हम लोग छोटी का वेट कर रहे थे, वो ट्यूशन गई हुई थी पढ़ने के लिए, तो वो भी कुछ टाइम बाद आ जाती है, तो अभी वो पढ़ाई कर रही है। तो मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ गोभी मटर की सब्जी। और इसी के साथ ही आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मेरी मिल जाए। तो मिलती हूँ गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।